Now, I am discuss about AC through LCR circuit जो syllabus में latest study है। तो अब ऐसा alternating circuit जिसका हम जिसमें inductance भी है और capacitor भी है और resistance भी है। तो ऐसे circuit की बात कर रहे हैं। तो देखो अब ऐसे circuit की बात कर रहे हैं तो suppose किसी coil का inductance L है, capacitance C है और R क्या है? रेजिस्टेंस है। ये तीनों कनेक्टेड हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं किसमें? ये इंडक्टेंस है L और ये आपका कैपेसिटेंस कैपेसिटर है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ये तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या है ऐड किया गया है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड किया गया है। थ्री क्या है आपके इंडक्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। तो इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है एसी सर्किट के। तो यहां पर इसको हमने कहा एल और ये क्या है आपका एल, ये सी और ये आर है, ठीक है। जो इसमें अल्टरनेटिंग सोर्सेज हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, ये क्या है पासिंग थ्रू एल और सी सीरीज में है। तो देयरफॉर किसी स्टैंड इसमें थ्री एलिमेंट्स हैं एसी सेम एम्पलीट्यूड, लेट इट कैन बी रिप्रेजेंट इसमें करंट सपोज क्या हो रही है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो रही है आपकी करंट फ्लो हो रही है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है। However, जबकि वोल्टेज अक्रॉस द देखो सीरीज में है तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा आपका अलग अलग होगा। मैं यहां पर नेम कर दे रहा हूं, ये क्या है आपका ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है ये डी है और ए इसके बीच जो वोल्टेज है आपका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच जो होगा मैं इसको लिख दे रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस में इसको VL या EL भी लिख सकते हैं, हाँ VL और इसके बीच जो होगा ये तो यहां से यहां तक होगा और ये क्या होगा VC होगा या EC लिख सकते हैं, ये क्या होगा आपका VR होगा, इसको VC या स्मॉल EC ER भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ EC, ठीक है। ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, इसमें क्या हो रही है आपकी I करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो प्रत्येक टर्म्स पढ़ा है हमने इसके अक्रॉस रियल है वीआर है ये आर है। देखो इसमें अल्टरनेटिंग करंट और इस सारी कंडीशन में, इस कंडीशन में अल्टरनेटिंग करंट आई होगी और रेजिस्टेंस सॉरी जो भी इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वीआर सेम फेस पर होते हैं इस कंडीशन में, और किस कंडीशन में क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट्स और ये अल्टरनेटिंग करंट है आई और ये पाई बाय 2 फेस पर क्या होती है आपकी ये लिखा मैंने वीसी, ये पाई बाय 2 फेस पर पीछे चलती है। इसमें क्या है आपका इस वाले केस में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है एक अल्टरनेटिंग करंट है और ये पाई बाय 2 फेस पर आगे चलती है क्या ईएल, ये हम पढ़ चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट और क्या वी आर सेम फेस पर होते हैं, जबकि कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाई बाय 2 फेस पर पीछे चलती है, और इंडक्टेंस कंटेनिंग कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट्स जो है पाई बाय 2 अल्टरनेटिंग करंट पाई बाय 2 फेस पर पीछे चलती है, इसमें अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस जो है पाई बाय 2 फेस पर आगे चलती है किससे अल्टरनेटिंग करंट से, ठीक है। तो इसका लेसन हम जानते हैं क्या वी एल इज इक्वल टू, एक तो आता है वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, तो वी एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल या स्मॉल ई एल लिखा था हमने वहां पर, ठीक है। वी एल क्या है मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है वी एल मैक्सिमम, वी सी मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर, तो इसको आई नॉट इंटू एक्ससी लिख दें। VC क्या है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, VR क्या है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर यानी I0 into R है, ठीक है।
ठीक है, तो ये तो इसका डायग्राम बना और ये इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल। देखो एलसीआर सर्किट में फेसर डायग्राम किस टाइप का होता है, ये देखिए इसका फेसर डायग्राम, देखिए इसका फेसर डायग्राम। ये करंट की डायरेक्शन है आपकी आई नॉट, ये आई नॉट है। अब देखो इसमें जो ई नॉट है आपका, ई नॉट क्या है आपका, रिजल्टेंट्स जो आपका पोटेंशियल है ई नॉट, उसको हम एक किसी एट एन एंगल्स फाइव पर शो कर रहे हैं। ये ई नॉट है और ये फाइव एंगल पर इंक्लाइंड है, फाइव है। देखो अब देखो इसमें एक चीज तो ये जानते हैं हम, जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वी एल, ये ऐसे होगा, यानी ये पाई बाय टू फेस पर आगे चलती है, ये अल्टरनेटिंग करंट से पाई बाय टू फेस पर आगे चल रही है। ऐसी दूसरी कंडीशंस जो अल्टरनेटिंग करंट से पाई बाय टू फेस पर पीछे चलती है वो है कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, ये पाई बाय टू फेस पर पीछे चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी जो रेजिस्टर की बात, रेजिस्टर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शंस में क्या होती है आपकी, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन में उसी की डायरेक्शन में चलती है, सेम फेस पर होगी। इसको हमने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉ कर रखा है और यहां से यहां ड्रॉ कर दिया। तो ये तो है फेसर डायग्राम, जिसे हमने इसको ई नॉट कहा, इसको ई नॉट, ये वी आर, ये वी एल, ये भी वी एल लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल दे देते हैं, इसको ओ, इसको ए और इस टर्म को बी, इस टर्म को बी और इसको सी। ये तो है फेसर डायग्राम। ये देखो वीएल क्या है, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है अपवर्ड डायरेक्शन में। वीएल क्या है, इंडक्टेंस के, सॉरी इंडक्टर के अक्रॉस अपवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज है, एंड वीसी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। सो नेट वोल्टेज अप पॉइंट टू ए इज क्या होगा, नेट वोल्टेज अप पॉइंट ए इज क्या होगा, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी ए के अक्रॉस इतना होगा। अज्यूमिंग हमने क्या कहा, वीएल क्या होता है, ग्रेटर देन वीसी, ये अज्यूम किया गया है। ए के अक्रॉस वीएल माइनस वीसी वोल्टेज होगा कब, जब वीएल ग्रेटर देन वीसी होगा। एंड नेट मैक्सिमम वोल्टेज इस वी नॉट, जिसे हम ई नॉट कहेंगे। नेट मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, वी नॉट, जिसे हम ई नॉट थोड़ी देर में। तो फ्रॉम फेसर डायग्राम से ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी आर और वी एल को हम लिख सकते हैं सी वी और ओ सी। देखो अब वी एल क्या है, वी एल का स्क्वायर मीन्स आपको वी एल को हम क्या लिख सकते हैं, वी एल जो वी एल के अक्रॉस, अब मैं ऐसे थोड़ी सी एक चीज और इसमें ऐसे लिख देता हूं, इसको हम लिख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख रहे हैं, इसको ओसी का होल स्क्वायर, यानी ओसी का होल स्क्वायर प्लस बीसी या सी बी का होल स्क्वायर, सी बी का होल स्क्वायर। देखो ओसी क्या है आपका, वी आर का स्क्वायर है, वी आर का होल स्क्वायर। देखो सी बी जो लिखा हमने ये एक्यूरेट नहीं है, तो हमने क्या लिखा इसको, वी एल माइनस VC, ये VL माइनस VC का होल स्क्वायर E नॉट। ये देखो CB मैंने यहां अज्यूम कर रखा है, क्या VL क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, VC इसका रिजल्टेंट लिख रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, तो ये तो आया यहां से। अब देखो इसको I नॉट से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, I नॉट देखो वी आर की जगह आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम क्या लिखते हैं, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस ये आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा।
ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आई नॉट देखो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आया आपका आई नॉट स्क्वायर, इसमें भी आई नॉट इसके बाहर आया तो आई नॉट लिखी, तो अंदर क्या बच रहा है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको e नॉट अपॉन आई नॉट लिखा, e नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यहां पर एक्स सी माइनस एक्स एल भी हो सकता है। देखो e नॉट अपॉन आई नॉट जो होता है इसे हम कहते हैं इंपीडेंस ऑफ एल सी सर्किट, एल सी आर सर्किट, जो यहां पर सिंस हम e नॉट अपॉन क्या लिख रहे हैं i नॉट जो होगा इसको हम कहेंगे z, जिसे क्या कहेंगे इंपीडेंस, z इज कॉल्ड इंपीडेंस, तो इसमें रखेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगी LCR सर्किट का इंपीडेंस होगा जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो z इज इक्वल टू क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा इंपीडेंस, यानी एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस। देखो यहां पर इंपीडेंस आप डिफाइन कर रहे हैं एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस, ये तो नोट कर दिया होगा, तो ये क्या होगा आपका इंपीडेंस क्या होगा, देखो इंपीडेंस देखो इफ इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अप्लाइड द पाथ अल्टरनेटिंग करंट, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा एलसीआर सर्किट के, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका कहां का एलसीआर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा ये इंपीडेंस। देखिए नेक्स्ट फेसर डायग्राम की बात करते हैं हम, देखो ये क्या है हमारा इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस था आर था, ठीक है जीरो फेस पर, ठीक है, और इसको हमने कहा था एक्सएल माइनस एक्ससी तो कहा था इस डायग्राम को ऊपर की ओर, ये सी था और ये ओ था और ये बी था और ये इस किसी एंगल पर है हमारा जिसे हमने कहा था Z इंपीडेंस, ये कहा ये इंपीडेंस क्या है डायग्राम ऑफ LCR सर्किट कहलाएगा आपका, उसी डायग्राम से हमने कट करके ये लिया गया है। अब देखिए यहां पर फ्रॉम ट्रायंगल OCB में इसमें तो tan phi इक्वल टू क्या होगा आपका tan phi इक्वल टू CB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी OC, OC tan phi is equal to CP क्या है XL minus XC, XL minus XC यानी VL minus VC लिख सकते हैं इसको, VL minus VC upon VR था, ये VR था सपोज VR था, ये VL minus VC तो VL minus VC upon VR, यहाँ पर I not into XL minus I not into XC अपॉन्स आई नॉट इंटू आर, रख देते हैं ये वैल्यू आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हुआ tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, यहां से हम phi निकाल सकते हैं phi इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, इक्वेशन हमने दे दी टू। ये देखो यहां पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ एलसीआर सर्किट वुड बी रिप्रेजेंटेड कैसे कर सकते हैं अल्टरनेटिंग एलसीआर सर्किट के अल्टरनेटिंग इक्वेशंस, यानी हम इंड्यूस जब एल और सी और आर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होगा एलसीआर सर्किट की अल्टरनेटिंग इक्वेशंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 ग्राफिकली शोन हमने शो कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस डायग्राम कहेंगे, विच इज द राइट एंगल्स विथ जेड इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ फेस ऑफ करंट एलसीआर सीरीज सर्किट ऑब्टेन यूजिंग द टेक्निक ऑफ फेसर टेक्निक से हम फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस बन रहे हैं आपके, कुछ क्या स्पेशल केसेस? पहले हम दोनों को ही लिख देते हैं, कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर टेन फाई इक्वल टू भी लिख देते हैं, टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है आपका केसेस है व्हेन एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन से जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है तो इसमें एक्स एल इक्वल टू एक्स सी जीरो हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, फाइव इज इक्वल टू, क्योंकि टेन फाइव इज इक्वल टू भी जीरो आएगा, तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो हेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। जब एक्स एल और एक्स सी इक्वल हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज होगा, एसी सर्किट ही। तो वैसा एसी सर्किट क्या कहलाएगा, नॉन इंडक्टिव प्लेट एसी सर्किट कहेगा, एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव कहलाएगा। कब, जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी है तो उस टाइम इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जब एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस, जब एलसीआर सर्किट में क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है तो उस टाइम इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा और फेज कितना होगा आपका, जीरो होगा। तो उस एसी सर्किट को हम क्या कहेंगे, नॉन इंडक्टिव कहेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका इसी में, दूसरा व्हेन एक्स एल ग्रेटर देन, व्हेन एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो क्या होगा, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो इसमें क्या होगा, टेन फाइव भी पॉजिटिव आएगा, टेन फाइव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेन फाइव पॉजिटिव होगा। देखो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव भी आएगा, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो टेन फाइव भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। हेंस वोल्टेज क्या करेगी, इसमें लीड्स करंट बाय फेज फाइव, तो उस दौरान वोल्टेज करंट को लीड करेगी फाइव फेज पर। तो इस टाइप के एसी सर्किट इज इंड्यूस्ड डोमिनेटेड सर्किट, इसको हम कहेंगे, इस टाइप के एसी सर्किट को हम इंड्यूस्ड डोमिनेटेड, सॉरी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहेंगे, इंडक्टेंस डोमिनेटेड डोमिनेटेड सर्किट। कब, देखो जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो जेड क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, टेन फाइव पॉजिटिव आएगा, फेज क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा। तो उसमें वोल्टेज करंट को फाइव फेज पर लीड करेगी, वोल्टेज करंट को फाइव फेज पर लीड करेगी। तो ऐसे एसी सर्किट को हम कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। कब, जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी होता है, फाइव पॉजिटिव होता है, तो ऐसे सर्किट को कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन है आपकी, जब आपका एक्स सी ग्रेटर देन एक्स क्या है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो इसमें टेन फाई क्या होगा आपका, नेगेटिव आएगा, फाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उसमें वोल्टेज लैग्स द करंट, यानी वोल्टेज करंट को फाइव फेज पर पीछे चल रही है, यानी वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फाइव फेज। देयरफॉर एसी सर्किट इज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो क्या कहेंगे ऐसे, यानी वोल्टेज करंट से फाइव फेज पर चलेगी तो उसे हम कहेंगे कैपेसिटी कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, डोमिनेटेड सर्किट। कब, जब एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो फेज की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उस दौरान हम इस सर्किट को कहेंगे कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो ऐसी ही ग्राफ हम शो कर सकते हैं, जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो ई एंड आई विथ ओमेगा टी। तो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी के केस में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ई और आई में ये क्या है, हमारा ओमेगा टी है, सपोज इसके बीच का फेस ओमेगा टी है। तो इस दौरान एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है तो क्या होगा, उस दौरान ऐसा कर्व शो होगा, पेन ई की बात कर रहे हैं हम,
ई आया आपका। इसके अलावा ये पाई बाय टू फेस कर पीछे चल रही है आपकी, क्या एक्स सी क्या होता है इस टाइप का आएगा, ये क्या होगा एक्स सी, ये क्या है आपका, ये ई हो गया और दूसरा आपका ये आई हो गया। कब, जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी है, ई और आई में हमने ई ओवर आई की बात कर रखी ठीक है। ये क्या होगा, यहां पर जो एंगल होगा आपका ओमेगा डी फेस पर आगे बढ़ रहा होगा, कुछ इस टाइप का होगा आपका, यहां पर हम लिख देते हैं ये ओमेगा डी फेस पर होगा 0, 90, 180, 270, 360 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी ठीक है। ये समझ में, इसका फेस फाई है और इसका फेस क्या है ओमेगा टी है ठीक है। तो ये क्या है ग्राफ ऑफ ई एंड आई वर्सेस फॉर एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, और यही क्या होगा आपका आरसी सर्किट भी ऐसे ही होगा। कब, जब एक्स एल लेस देन एक्स सी, एक्स एल क्या है ग्रेटर देन है, तो इसी टाइप का हमें ग्राफ ड्रॉ मिलेगा ठीक है। ये तो है आपका एलसीआर सर्किट कंप्लीट होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर।